तो दोस्तों आज भारत और अमेरिका की तरफ से एक बहुत ही महत्वपूर्ण खबर सामने निकल कर आ रही है और अब अमेरिका ने उस मुद्दे के ऊपर भारत का साथ दे दिया है जिस मुद्दे के ऊपर अभी तक रूस ने भी भारत का साथ नहीं दिया था। लेकिन आखिर वो कौन सी खबर है, चलिए जानते हैं। तो दोस्तों आप सभी को पता ही है कि चीन हमेशा से ही दूसरे देशों की जमीनों पर अपना अधिकार जमाता है और कुछ दिनों पहले चीन ने अरुणाचल प्रदेश को भी अपना क्लेम किया था और कहा था कि अरुणाचल प्रदेश चीन का ही हिस्सा है और चीन के इस दावे पर रूस की तरफ से अभी तक कोई भी बयान नहीं आया है। वहीं दूसरी तरफ अमेरिका ने अरुणाचल प्रदेश वाले मुद्दे पर भारत का साथ दिया है। अब आप सभी को पता ही है कि चीन भारत के अरुणाचल प्रदेश को दक्षिणी तिब्बत का हिस्सा कहता है, इसीलिए अरुणाचल प्रदेश के कुछ हिस्सों के नाम भी चीन की तरफ से बदले गए थे। लेकिन अब अरुणाचल प्रदेश को लेकर अमेरिका भारत के समर्थन में खड़ा हो चुका है और अब अमेरिका के अंदर ये प्रस्ताव लाया जाना है जिसमें अमेरिका की तरफ से भारत के अरुणाचल प्रदेश को भारत का अभिन्न हिस्सा माना जाएगा। वैसे तो अरुणाचल प्रदेश भारत का ही हिस्सा है, लेकिन अगर अमेरिका की सीनेट के अंदर भारत के अरुणाचल प्रदेश को भारत का हिस्सा मान लिया जाएगा तो फिर अंतर्राष्ट्रीय मंच में चीन के ऊपर कार्यवाही करने में अमेरिका हमेशा से ही भारत का साथ देगा और चीन के ऊपर प्रतिबंध वगैरह लगाने में भी अमेरिका भारत की बहुत मदद करेगा। वहीं दूसरी खबर आ रही है इजराइल की तरफ से। दरअसल हाल ही में इजराइल ने दुनिया के सामने स्काईपियर नाम की एक मिसाइल पेश की है और कहा जा रहा है कि इजराइल से भारत के सामने ऑफर भी करने जा रहा है। लेकिन क्या भारत इस मिसाइल को लेगा, उससे पहले आप ये जान लीजिए कि इस मिसाइल की खूबियां क्या है। तो दोस्तों ये एक एयर टू एयर लॉन्ग रेंज मिसाइल है, इसका मतलब आप इस मिसाइल को लड़ाकू विमान से भी लॉन्च कर सकते हैं और ये दुश्मन के किसी भी हवा में उड़ने वाले हथियारों को मारकर गिरा सकती है, चाहे वो ड्रोन हो या फिर फाइटर जेट। और दूसरी खास बात ये है कि ये एक 6th जनरेशन की मिसाइल है। इजराइल ने अपनी सबसे एडवांस टेक्नोलॉजी इस मिसाइल में लगाई है जिससे कि जब तक दुश्मन को पता चलेगा कि उस पर मिसाइल छोड़ी गई है तब तक ये मिसाइल उसे हिट करके जमीन दोस्त कर देगा। साथ ही अगर कोई लड़ाकू विमान भागने की कोशिश करता है तो ये मिसाइल उसे हिट भी कर देगा क्योंकि इसकी रेंज 200 किलोमीटर है और एयर टू एयर मिसाइल की रेंज में इसकी रेंज बहुत ही ज्यादा है। इसीलिए भारत को हमारी वायुसेना के लिए इस मिसाइल को एक बार जरूर देखना चाहिए क्योंकि हमारी वायुसेना दुनिया की 4थी सबसे शक्तिशाली वायुसेना है और आज के समय में बड़ी सी बड़ी टेक्नोलॉजी भी भारतीय वायुसेना के पास रहनी चाहिए। फिलहाल आपका इस पर क्या राय है कमेंट में जरूर बताएं और इसी तरह की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।